रणछोड़दास छांछड़ ने मांगी है माफी कमल हसन से। दो इट वॉज नॉट ऑन इमोशनल ग्राउंड बट ऑन मोरल ग्राउंड। आमिर खान बात कर रहे थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के रूड एटीट्यूड की, जिसमें उन्होंने कई शब्दों को बैन कर दिया है फिल्म में इस्तेमाल करने से। तकरीबन 28 शब्दों की एक लिस्ट बनाई गई थी, उन वर्ड्स को बैन किया जा रहा था जिनमें से एक वर्ड बॉम्बे भी था। ऐसा बताया जा रहा था कि CBFC चेयरमैन पहलाज निलानी ने 2003 का एक ऑर्डर इफेक्ट में लाए हैं जिसमें 28 ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स को बैन करने की बात की गई थी। हालांकि उस लिस्ट को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन आमिर खान ने कहा कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये एक बिल्कुल गलत चीज है। आपको जो कंटेंट पसंद नहीं आता उसे आप बैन नहीं कर सकते, उसमें बदलाव जरूर करा सकते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद कमल हसन से भी उन्होंने माफी मांगी कि विश्व रूपम जो 2013 में आई थी उस पर भी कुछ इस तरह के बैन्स लगाए गए थे और आमिर खान उस वक्त कमल हसन का साथ नहीं दे पाए, अपने कामों में बिजी थे और एज एन इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर पाए थे कमल हसन को। इस बात की उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा था आई अपोलोजाइज टू यू पब्लिकली दैट आई वाजंट देयर एट दैट टाइम। I feel bad that we were not there for you. Banning a film is not right once the film has received the certification. It is the responsibility of the state to make sure that people can watch the film without any fear. ऐसी चीजें आजकल बॉलीवुड में कई बार हो रही हैं और सेंसरशिप के खिलाफ कई सारे डायरेक्टर आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ये भी सोचने वाली बात है कि कई चीजें सेंसर हो जाती हैं पर कई ऐसी चीजें सिनेमा तक पहुंच जाती हैं जिनका पहुंचना हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। The question is double-sided.